अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल समद। lecture.tech के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और उनको हम लोग किस तरह से काम में ला सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डैशबोर्ड का ओवरव्यू है, इसके बाद से हम लोग डैशबोर्ड की एक एक चीज़ को यूज़ करेंगे। जब भी आप अपनी वर्डप्रेस की साइट को वापस यूज़ करना चाहेंगे, वापस यूज़ करने का मतलब ये है कि जब आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाए या आपका लैपटॉप आप शट डाउन कर दें, इसके बाद आप अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपने ज़ैम्प की दो सर्विसेज यानी अपाची और माई सीक्वल को स्टार्ट कर देंगे। आप अपने सी ड्राइव पर जाएंगे ज़ैम्प के फोल्डर के अंदर और यहाँ पर ज़ैम्प कंट्रोल डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपाची स्टार्ट कर देंगे और माई सीक्वल को भी स्टार्ट कर देंगे। जब ये दोनों स्टार्ट हो जाएंगे आप इसको क्लोज कर दें। इसके बाद आप यहाँ पे आके लिखें लोकल होस्ट और अपने फोल्डर का नाम यानी डेमो अंडरस्कोर वेब, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर इस पर काम किया था। फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट खुलेगी, ना कि आपका डैशबोर्ड। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि यहाँ पे आप डैशबोर्ड कैसे ओपन कर सकते हैं दोबारा। आपके सामने जो वेबसाइट हम लोगों ने लास्ट टाइम इंस्टॉलेशन की थी और सारी कॉन्फ़िगरेशन की थी, उसके अंदर ये सब चीज़ें पहले से मौजूद होती हैं और वो चीज़ें आपके सामने यहाँ पे आ गई हैं। यहाँ पे अगर आपको अपने डैशबोर्ड पे जाना है तो आप लिखेंगे wp-admin और इंटर कर देंगे तो आपके पास लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। आपका यूज़र नेम जो आपने रखा होगा और अपना पासवर्ड आप डालेंगे और इसके बाद लॉगिन कर देंगे। मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों एडमिन थे इसलिए और मैंने सेव भी कर दिया। ये पहली स्क्रीन आई थी। इस डैशबोर्ड के अंदर सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपके कुछ मेन्यूज होते हैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्क्रीन ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आप देखें कुछ चीज़ों पे आपके पास चेकबॉक्स लगे हुए हैं। चेकबॉक्स का मतलब है कि ये चीज़ें आपको इस स्क्रीन पर दिखाई देंगी। जैसे मैं यहाँ पर ये वेलकम है इसको मैं हटा देता हूँ, देखें गायब हो गया। ये वाला वेलकम नीचे है, आपको दिखाता हूँ। ये वर्डप्रेस न्यूज़ यहाँ पे आके इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए आप नीचे से ये गायब हो गया होगा। इस तरह से यहाँ पे जो चीज़ें आपकी होंगी वो चीज़ें यहाँ पे आप जो जिन चीज़ों पे आपके यहाँ पे चेक लगा हुआ होगा वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी और जिन चीज़ों पे आपके यहाँ पे चेक नहीं होगा वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देंगी। हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शन के अंदर हर ऑप्शन के अंदर स्क्रीन ऑप्शन होता है और हर स्क्रीन ऑप्शन के अंदर जो बॉक्सेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अच्छा, कुछ हो सकता है ऐसा भी कि मैं आपके सामने कोई स्क्रीन के ऊपर किसी जगह पे काम कर रहा हूँ लेकिन जब आप काम करें तो वो आपको ऑप्शन दिखाई ना दे, तो आप स्क्रीन ऑप्शन में जाके उस चीज़ को यहाँ से चेक कर देंगे तो वो ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके पास पहले से आ रहा हो, मेरे पास नहीं आ रहा, तो मैं स्क्रीन ऑप्शन में जाके उस चीज़ को ओपन कर दूँगा। इसमें कोई इशू नहीं हो तो हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, ये आपका डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड को हम लोग होम भी कहते हैं। एक चीज़ हमारे पास यहाँ पर आती है पोस्ट मीडिया और पेजेस। पोस्ट और पेजेस में क्या फ़र्क होता है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग इतना बोल सकते हैं कि पोस्ट जो है वो आपके ब्लॉग के लिए यूज़ होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर आपको कोई ब्लॉग वगैरह बनाना है तो वो आप पोस्ट के जरिए बनाते हैं, ना कि पेजेस के जरिए। पेजेस हमारे जैसे गैलरी, कॉन्टेक्टर्स, होम, नॉर्मल अल्फाज में अगर कहा जाए तो HTML में index.html, about.html, gallery.html वगैरह वगैरह। मीडिया के अंदर आप अपनी इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, PDF, एक्सेल, वर्ड फाइल यानी टेक्स्ट के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सब आप मीडिया के अंदर रखते हैं। जब हमारा ब्लॉग बनता है तो उसके अंदर कोई ना कोई कमेंट्स आते हैं, उन कमेंट्स को हम लोग यहाँ से हैंडल करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जाते हैं हम लोग अपेयरेंस के अंदर। इसके अंदर थीम आती है, थीम पर हम लोग अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन इतना बताता चलूँ कि थीम आपकी होती है एक तरह से वेब HTML के बारे में कहा जाए तो टेम्पलेट। थीम वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारी आपके पास फ्री होती हैं, उनको हम लोग यूज़ करके अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। कस्टमाइजेशन यानी कोई भी चीज़ की कस्टमाइजेशन यानी थीम के अंदर ऑप्शन नहीं, आप दूसरी चीज़ लाना चाहते हैं तो हम लोग वो काम यहाँ से कर सकते हैं। इस पर भी हम लोग काम करेंगे। विजिट्स तो हम लोग बाद में बात करेंगे। मेन्यूज़ आपके होम, अबाउट, गैलरी, कॉन्टैक्ट यानी आपको जो भी मेन्यूज़ देने हैं वो आप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं अगर बिल्कुल हो सकता है कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर 10 पेजेस बनाए लेकिन अगर आपने मेन्यूज 6 के दिए तो 6 ही ओपन होंगे, आपको 4 को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। हेडर यानी कि आपके पेज का हेडर, बैकग्राउंड यानी आपकी वेबसाइट का बैकग्राउंड, एडिटर जैसे HTML वगैरह होते हैं इस तरह से आपके एडिटर्स होते हैं। प्लगइन पे हम लोग बाद में बात करेंगे। यूज़र जैसे मैं लॉगिन स्क्रीन पे गया, मैंने वहाँ पे एडमिन अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन डाला, इस तरह से आप दूसरे यूज़र बना सकते हैं और हर यूज़र के आप मुख्तलिफ किस्म के
रूल्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे फेसबुक पेज के अंदर अगर किसी ने यूज़ किया हुआ हो तो उसके अंदर हमारे पेज रोल आते हैं, जैसे एडमिन, सब्सक्राइबर, एनालाइजर, ये वगैरह वगैरह। तो इस तरह से इसके अंदर भी ये रोल्स यूजर्स होते हैं। इसको हम लोग भी डिटेल में देखेंगे, तो उसको मैं तो आपको सारी चीज़ें समझा दूँ। रूल्स होते हैं, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टूल होता है इम्पोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इसलिए यूज होता है कि जैसे बिल फर्स्ट मैंने अपनी यहाँ पे वेबसाइट कंप्लीट कर ली, तो मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इस वेबसाइट की एक XML फाइल बना लूँगा, और जब मैं दूसरे PC पर जाऊँगा या मुझे कहीं पे जाके रन करनी है तो वहाँ पे जाके वो XML फाइल इंपोर्ट करूँगा, तो मेरी वेबसाइट ऐसे ही चल जाएगी। और भी तरीके होते हैं, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा बेहतर तरीका है जो हमें WordPress ने दिया हुआ है। सेटिंग के अंदर आपका जर्नल राइटिंग रीडिंग और जर्नल राइटिंग रीडिंग या आपकी वेबसाइट के जर्नल सेटिंग्स होती हैं। इसके अंदर बहुत सी डिफरेंट चीज़ होती हैं जो हम लोग, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम लोग अपनी WordPress की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं उसके अंदर यूज़ हो जाती है, लेकिन हम लोग वो चीज़ें यहाँ से चेंज करें। डिस्कशंस को भी हम लोग देखेंगे। एक चीज़ यहाँ पे मीडिया लिखी हुई है और एक चीज़ आप यहाँ देखेंगे यहाँ मीडिया लिखी हुई है। इन दोनों के अंदर एक फ़र्क है, ये जो मीडिया है इसके अंदर आप गैलरी, कॉन्टैक्ट अस वगैरह, ये गैलरी की सारी चीज़ें और इस तरह की दूसरी चीज़ें आप यहाँ पे रखते हैं, लेकिन ये जो मीडिया है इसके अंदर आप ये बता देते हैं कि उस जो मीडिया ऊपर रखा गया, यानी इसके अंदर इमेजेस, यानी गैलरी के अंदर जो इमेजेस हैं उनकी साइज़ क्या होगी, थंबनेल्स की साइज़ क्या होगी, सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। परमालिंक्स अगर कहा जाए तो ये आपकी URL होती हैं, इन URL को भी हम लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पेजेस और पोस्ट और मीडिया पे काम करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।